वो जो मैच है इंडिया पाकिस्तान का, अगर उसकी टिकट रहती ना हमारे पास तो हम लोग यहाँ से नॉन स्टॉप भगा के सीधा न्यूयॉर्क जाते। इट्स 9 o'clock इन द इवनिंग इन द नाइट एंड फाइनली मैंने अपना एनडी फिल्टर निकाल दिया बिकॉज अभी वेदर ऐसा हो रहा है, रूम के अंदर शूट करना पड़ रहा है। तो फाइनली तू कैसा लग रहा है? अरे थोड़ा जोश में बोल यार। अरे अभी तो उठा हूँ, फ्रेश लग रहा है अब तो। शर्मा जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बैटरी तो फुल एकदम मेरे आईफोन की बैटरी की तरह हो गई है, 85% हेल्थ है। आज फाइनली ज्यादा ड्राइविंग नहीं होगी, आज हम जा रहे हैं एडमंटन जो कि 9.5 घंटा है, तो आराम से सुबह पहुंचेंगे। ध्रुव फ्लाइट बुक कर दी ना और सेफ साइड 24 घंटे बाद की अगर हम 12-13-14 घंटे में भी पहुंचते हैं तब भी इसके पास वक्त समय होगा और फिर मैं और शोभित कॉल लेंगे कि आर वी गोना स्टे इन एडमंटन और आर वी गोना गो अहेड। क्या बोलता है? विल गो अहेड, विल गो। सच में 10 घंटे ड्राइव के बाद भी? ऑफ कोर्स 10 घंटे ये ड्राइव करेगा, उसके बाद मैं ड्राइव करूंगा 10 घंटा, फिर तुम ड्राइव करना। हां फिर आप ही, मैं ड्राइव करूंगा। अब हम जब ऊपर थे तब नॉर्दर्न लाइट्स आ रही थी ऊपर पर हमको दिख नहीं रही थी बिकॉज ऑफ 24 आवर्स डे लाइट। अभी जब थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ है तब नॉर्दर्न लाइट्स जो है जो पूरा एडमंटन सब कवर कर रही थी अभी वो ऊपर चली गई, मतलब अभी हमको नहीं दिखेगी, बट स्टिल वी आर हेयर फॉर आई थिंक ये जो जो लाइन है इस पर हम 2-3 दिन रहेंगे। तो इस ट्रिप पे दिखे ना दिखे लेकिन नॉर्दर्न लाइट्स को मैं विद इन 1 ईयर मैं देख के ही रहूंगा। सबने पेट भर के खाना खा लिया, बाजू में एक इंडियन रेस्टोरेंट था तो वहाँ से खाना लेके आए, ये लोग गए थे, मैं तो अब काम कर रहा था, खाना वाना खाया रेडी हो गए और खाना खाने के बाद क्या होता लेकिन नहीं नहीं सब लोग फ़ोन पे, शुभित फ़ोन पे, ध्रुव फ़ोन पे, मैं फ़ोन पे था। अभी सब पैक करते हैं और गाड़ी में जाके फिर आपको मिलते हैं। हाउ इज जोश? हाय सर, वेरी हाई। चलो कितना है, कितना जाना है? टोरंटो पक्का, चलो रात निकालो। बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है भाई, ठंडा चिल्ड रूम, कंफर्टेबल बेड, मजा आ जाती है। इसके पहले वो होटल में पता नहीं पेंटहाउस में देखो ऐसा फीलिंग नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव। तो तू अच्छा सोया था? मैं तो अच्छा, सबसे घटिया मैं सोया था उधर, सबसे घटिया। आज मैं सबसे अच्छा, मतलब सोया अच्छा, मैं सबसे अच्छा तो नहीं सोया, सबसे अच्छा आई थिंक ध्रुव सोया। ध्रुव बढ़िया सोता है, गाड़ी में भी अच्छा सोता है, मिर्जा शोभित से नहीं होता गाड़ी में। तो टेंशन नहीं भाई, अभी तो एडमंटन से फ्लाइट है तेरी। बाय बाय। वो जाते हैं ना, हम मैं और शोभित देखेंगे फ्लाइट से जा रहा है। भाई तो यहाँ से टोरंटो की फ्लाइट कितने घंटे की है? 7-8 घंटे की है। 8 घंटे की फ्लाइट है और जहाँ हम थे वहां से पता है कितनी दूर थी? 10-11 घंटे की फ्लाइट। कोई नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जितना टाइम मुंबई से न्यूयॉर्क आने को लगता उतना टाइम प्रूडो वे से न्यूयॉर्क आने को लगता है। मुझे अलग ही स्माइल देती है जब वो देखती है मैं ट्रिम करता हूँ ना, तो मैंने इसके पहले आई थिंक रजाइना में ट्रिम किया था और अभी तो मेरा दाढ़ी ना बहुत धीरे बढ़ती है तो उससे मुझे ना आइडिया होता है कि ओ टिकटॉक इतना टाइम हो गया। तो जब एक दाढ़ी सडन लेवल बढ़ती है मतलब 12 दिन हो गए मुझे, तो 12-15 दिन में मैं ट्रिम कर लेता हूँ, उससे जब बढ़ती है तो अच्छा ही लगता है, सूझा सूझा लगता है मुँह, थोड़ा और पतला हो जाऊँगा ना तो अच्छा लगेगा। ओहो हो, अभी एकदम ब्यूटीफुल वेदर है, जैकेट वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ऑफकोर्स गाड़ी चला के एक सर्टन पार्ट पर रुकेंगे तब ठंडा लगेगा, है ना? आज ज़्यादा फ्रेश नहीं फील कर रहे? बहुत फ्रेश। एक चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बता नहीं पाया बाइक पे, वो है जो ये जो कैमरा है ना अपना, इसका फुटेज जो अपना डैश कैम है, तो उसका एक ऐप आता है, मैं ऐप भूल गया था, अभी मैंने फाइनली ऐप पता लगाया और जब भी बाइक चालू करेंगे इसका जो भी मेमोरी कार्ड का फुटेज है ना जितना भी लास्ट लूप में आया है वो अपन ले सकते हैं। ले लेंगे। अभी लूँ क्या? मेरा भी आएगा। हाँ तेरा भी आएगा। तो टंकी से क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये बोलता है कि फ्लाइट पानी ले जाने नहीं देंगे, मैंने कहा चेकर भी जान देते हैं। अबे सिक्योरिटी चेक में नहीं लगा होता। हम लोगों ने आर्टिक का बर्फ लिया था, अब सबका पानी बन गया है, उबलता हुआ पानी बन गया था बीच में, तो अभी ये बोलता है अरे लेके जाने नहीं देंगे, तो चेकिंग में तो लेके जाने देंगे ना। क्या बोलता है? चेक इन। तो मैंने से पूछा कि पहली बार फ्लाइट में बैठ रहा है क्या? तो बोलता हाँ, तो मैंने कहा डंकी रूट से आया था तू कनाडा, आपको पता लग गया तू जाने वाला है। और अभी देखो ये पोजीशन में बैठा हूँ, शोभित बोलता है ऐसे ही बैठ गया ऐसे नहीं, पैर नीचे करो, पैर ऐसे ऐसे चलाओ, सीरियसली चलाओ गाड़ी ऐसे। 1-2-3 गाइस क्या हवा चल रही है, बहुत ठंडा है और गाइस क्या इकोनॉमी दे रही है, एक बूंद पेट्रोल नहीं चल रहा लेकिन बैंड बच गई है, इतना हाइट पे बहुत विंड ब्लास्ट आ रहा है, ट्रक हिल रहा है और पुलिस पकड़ेगा तो you're not wearing a helmet but I'm not riding the bike but you're on the bike but engine is not on so technically helmet पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। और अभी मस्त शोभित के फुटेज जो है डाउनलोड कर रहा हूँ जो बाइक पे बढ़िया बढ़िया आए थे ऐप से और शोभित को दिखा रहा हूँ मैं, देखो ना कितने सारे फुटेज थे। गाड़ी के पास में आओ ना तो पैसे देखा अभी एनर्जी लेवल देखा कितना हाई है, लेवल
ट्राइब की फीलिंग आती है, काम करके आए हैं। मैंने इससे बोला ऑनलाइन बुक कर लेना होटल, पता लगा अंदर गए तो बोले होमलेस है इन लोग का मध्य ना, एक बार घुस गए तो निकलेंगे नहीं। तो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। हम लोग 12 बजे के बाद ही निकलेंगे। राइट नाउ इट्स 12:10 इन द नाइट, यू ऑल सेट टू लीव। या लोग काम करते रहते ना तो लोग पायलट गाड़ी आती है बहुत स्लो कर देती, तो अभी वो ट्रैफिक रात को नहीं मिलता है। एंड बिकॉज 12 बजे तो 6 घंटे तो आराम से चलाएंगे, आराम से। और फिर सुबह हो जाए, सुबह तो अभी हो जाएगी, 3-4 घंटे में सुबह हो जाएगी, फिर आराम से चलाएंगे, फिर आराम से चलाएंगे, नाश्ता करेंगे, ऐसे 6 घंटे जब तक घंटे ना लग जाए सबके। और रात में निकलने का एक फायदा देखो, $150 में 88.287 लीटर आया, मतलब यहाँ पर चल रहा है $1.69 अ लीटर, जो कि काफ़ी सस्ता है कनाडा के हिसाब से। बिकॉज रात है ना तो रात में गिर जाता है पेट्रोल का प्राइस और दिन में बढ़ जाता है, और ये अब तक का हमको कनाडा में सबसे सस्ता फ्यूल गिरा है इस एरिया में। तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सस्ता मिलेगा क्या, हम नीचे नीचे जाएंगे और महंगा होगा। पता आपने डिफरेंस नोटिस किया कि नहीं, लेकिन बाहर अच्छा खासा स्मॉग है और वो स्मेल आ रही है गाड़ी के अंदर लकड़ी जलने की, तो बिकॉज जो हवा चलती है ना तो उसकी वजह से वो हल्का फुल्का स्मॉग, बट विजिबिलिटी में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक इस साइड ना ज़्यादा इफेक्ट हुआ था लोगों को फॉरेस्ट फायर की वजह। 240-230 किलोमीटर अपना हो गया है, पहला ऐसे रेस्ट, मतलब थोड़ा वॉशरूम, थोड़ा पानी निकाल रहे हैं, पीछे से कुछ प्यास लग रही है एज यू कैन सी। ये थोड़ा और अभी यहाँ से सनराइज़ हो जाएगा, और बीच में ना एक पॉइंट आया था इतना खूबसूरत लग रहा था ना, एंड आई थिंक उस तरफ बारिश हो रही थी, बार बार फ्लैश क्या आ रहा है, फिर इधर थंडरस्टॉर्म का वो लाइट आया, तब लगा ओके आ गया, कहीं तो बारिश बहुत दूर हो रही है। और अभी हम हैं फोर्ट सेंट जॉन में, ये भी अच्छा शहर है, तो अगर कल हमारे होटल में मना करते हमको 11-12 बजे और हमें थोड़ी हिम्मत होती तो हम यहाँ पर 3-4 घंटे बाद आके रुकते। राइट नाउ इट्स 4:26 इन द मॉर्निंग, बट नहीं आते, बट बैकअप प्लान था। जस्ट थोड़ी देर पहले, शहर आने के थोड़ा पहले, आने के पहले एक डियर मस्त गड़ा कैसे रोड क्रॉस करके गया, मतलब हमारे जिस बाजू से गया, इसने पहले ही देख लिया था, मैं भी देख रहा था, वो रुका हुआ था, गाड़ी आया वो भागा, मतलब उसको लगा वो निकल जाएगा, तो हमने स्लो किया, परफेक्ट निकला। मगर अगर नहीं देखते, मतलब जंगलों में नहीं आया, शहर में आ गया, ड्राइव थ्रू में है, लेकिन सोच रहे हैं अगर डाइनिंग चालू है तो अंदर ही बैठ के पीते, थोड़ा स्ट्रेच जाएगा बॉडी का, बैठे बैठे अकड़ गए हैं, तो पूछेंगे पहले उसको। कॉफी ले ली हम तीनों ने, अभी फिलहाल डाइनिंग नहीं है, बिकॉज टू अर्ली 4:30, सो प्रॉब्ली इसके बाद कितना, 2 घंटे बाद 49 मिनट्स बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा फिर 200 किलोमीटर है, हाँ तो 200 किलोमीटर रुकते हैं ना, अभी क्या करना है। okay. यार 49 देखेंगे, शुभित को पूछेंगे, उतरना रहेगा सबको उतर जाएंगे। बढ़िया है, बारिश होना शुरू हो गई है, मेन बारिश क्यों चाहिए पता है, ताकि पीछे जो गंदी गंदी बाइक से एटलीस्ट तो थोड़ी तो धुल जाए, मेरा फ्रंट साइड तो नहीं धुलेगा बिकॉज वो इसका जो छपरा है वो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन शुभित का मस्त धुल जाएगा साहब। ये गया एंड वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड अल्बर्टा, और अभी यहाँ पर हमारा और एक टाइम जोन जो है वो चेंज होगा, अभी बज रहे 5:50 इन द मॉर्निंग, ये हो जाएंगे 6:50 इन द मॉर्निंग। टेक्नोलॉजी गाड़ी का फेल हो गई, मैंने साउथ स्टाइल में किया, शोभित ने मुंबई स्टाइल में किया। क्या यूट्यूबर लोग गाड़ी लेते रहते हैं, अपन लोगों को देखते रहते हैं, कुछ जिंदगी में करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे देखते रहेंगे हम लोग। ओके 7:45 इन द मॉर्निंग, अभी यहाँ पर रुके हैं टिम हॉर्टन्स में, यहाँ पर कुछ नाश्ता करेंगे, और हमने पेट्रोल भी पूरा भरा लिया है, अभी और सस्ता मिला लोगों को $1.59। छोटा सा पेट्रोल पंप है, लेकिन सॉरी छोटा सा टिम हॉर्टन्स है,
लेकिन काम चला हुआ अपने। भाई ये बात बताओ, तुमने लॉटरी ली थी जीते? मैंने तो नहीं ली थी, इसी ने ली थी। जीता ले भी नहीं पाऊंगा यहाँ पे, सिटीजन ऐसा कुछ नहीं। तो क्या ले सकते हैं, टूरिस्ट भी ले सकते हैं, स्टूडेंट भी ले सकते हैं। जीते? कभी नहीं जीता कोई, नहीं जीता। बेवकूफ बनाने की स्कीम है। जीते जीते जीते, बहुत लोग जीते। पहले सेट होता होगा, कोई सेट नहीं होता भाई। भाई जिसके नसीब में है ना वो जीतेगा, भाई जिसके नसीब में वो कमा लेगा। नहीं ब्रो, इतनी तेज बारिश आई थी, बाइक अब तक वैसी की वैसी। ये कहाँ था? चलो अच्छा, बाइक के टायर्स भी नहीं आया, टस से मस से एकदम बाइक। जूते होते भी भीगे नहीं, ये जूते मैंने उल्टे रखे हैं। तो ये पतली पन्नी में, ये मोटी पन्नी में तो टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत धोल है, और बाइक बिल्कुल नहीं धुली यार। और अभी एडमिंटन है 460 किलोमीटर, 460 किलोमीटर बाद ध्रुव बाय बाय बोलेगा। बाय बाय, तब तक हम बैठेंगे मस्त। अरे राइडर लोग, जाओ जाओ तुम अच्छे वेदर में जाओ। आज भी बहुत सारे बाइकर्स दिख रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है देख के, थोड़ा बहुत तो जलसी भी हो रही है। और ये जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ, किसी की गाड़ी घुस गई। किधर है, दिख तो नहीं रही गाड़ी। वो गाड़ी। नीचे, अरे हाँ व्हाइट वाली, वो देखो ये व्हाइट वाली, नीचे वाली, नीचे एक और एक्सीडेंट दिखता हूँ साला, अच्छा नहीं लगता। ये प्लूटो पे से आ रहे क्या? इसकी गाड़ी भी हमारी ऐसी गंदी है, नंबर प्लेट इसकी भी छुप गई है। हम कैसे बोलते गंदी बाइक देख के, लद्दाख से आ रहे क्या? यहाँ पर प्लूटो पे से आ रहे क्या? लद्दाख फिर भी 10 दिन में हो जाता है, ये तो साल एक महीना के ऊपर लगता है। बस अब दिल्ली दूर नहीं, एडमिंटन आ जाएगा अराउंड 2 घंटे के अंदर अंदर। और इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं सोचा था कि बाइक धुल जाएगी, कुछ नहीं धुली यार, बस पीछे पीछे थोड़ी बहुत लगी, आगे से तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो पूरा ये तो इसमें थोड़ा पानी भी नहीं गया, हाँ लेकिन विंडशील्ड बढ़िया चमक गई एकदम अच्छे से। ये मेन ये था इधर, आई थिंक वो स्टैंड स्टिल में तेज बारिश आएगी ना, तेज वाली। ये तो बारिश एकदम तेज हो गई है। तो पहले हमारा प्लान था कि, और जो फास्टेस्ट रूट भी था कि, हम लोग जहाँ से आए थे ना रजाइना से, हम लोग US एंटर करें और शिकागो के ऊपर से जाएं। हम लोग को वार्निंग आया था, फ्लड वार्निंग एंड साइक्लोन वार्निंग। अगर हम लोग नॉर्थ डकोटा में एंटर करते तो बहुत बड़ा साइक्लोन है। तो हमने डिसाइड किया छोड़ना, US एंटर नहीं करेंगे, वैसे भी 1-2 घंटा बॉर्डर में जाएगा, ऊपर से जाएंगे और रास्ता नया जगह भी एक्सप्लोर करते करते जाएंगे। तो मैं ध्रुव को बोल रहा था कि जब मैं और शोभित बाइक चला रहे थे तो बहुत बार ऐसा हुआ था कि इस तरह की बारिश हो रही थी और हम ऐसी बारिश में चला रहे थे, बैंड बज गई थी। चलो भैया एडमिंटन पहुंच गए, एक छोटा सा काम था वो भी हो गया। राइट नाउ इट्स 1:25, अभी थोड़ा खाना खाएंगे। और ये देखो बाइक कैसी धुल गई है, बढ़िया वाली धुल गई है। बस यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पर पानी लग जाए तो ये चिकट भी निकल जाएगी, धीरे धीरे निकलना शुरू हो गई। बारिश बंद हो जाएगी ना ये फिर से जो अटक जाएगा। ये बॉटल पूरी धुल गई, अच्छे से धुल गई है। तो भी बड़ा खुश लग रहा है, दो रीजन की वजह से, एक तो वेजिटेरियन बोल मिल गया और दूसरा गाड़ी, बढ़िया गाड़ी धुल गई। शोभित की अच्छी से धुली, मेरी आगे का थोड़ा लाइट्स रह गए, बाकी और तेज बारिश आनी पड़ेगी। वो स्लश अभी भी ड्राई था, सीमेंट हो गया था पूरा, नहीं आया। बारिश तो अच्छा है, अभी तो गाड़ी के अंदर पहुंच गए एयरपोर्ट। कभी कभी एयरपोर्ट आके लगता है कि फ्लाइट से ही चले जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन नहीं, हम रोड ट्रिप करके जाने वाले हैं और भगवान ने हमारी सुन ली। थोड़ी देर के लिए बारिश बंद की है, बादल आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो मैंने बोला था बंद होना है तो होना है। और ये चेक इन में चले जाएंगे क्या दोनों? अपन भी चलते हैं एयरपोर्ट में, दो बाइक लेके आ गए भाई साहब चेक इन। बढ़िया है, ये सीट ऊपर चली गई है, अच्छे से सब अरेंज हो जाएगा। जगह बनाना है, ये लेके जाना है बेड स्प्रे फ्लाइट पे, बिजनेस क्लास दे मेरे को ऐसी क्लास देगा ना इसको, ये किसी क्लास के लायक नहीं रहेगा। चलो ध्रुव थैंक यू सो वेरी मच, गो सेफ, अच्छे से शोभित का जैकेट लेके जाइए वाला, अलीबाबा वाला दे रहा हूं अभी, दे रहा है। चल भाई बाय बाय, टेक केयर, है ना, टेक केयर, नाइस मीटिंग यू, जैकेट डिपार्टिंग पार्टिंग, नहीं नहीं गिफ्ट क्या याद रखेगा, तू भी हमें दे जा कुछ। हां भाई चलो चले यार, बहुत टाइम हो गया, चलो चलो सुनो, मैं को समझ नहीं आ रहा। ये होता है जब अच्छी नींद मिलती है, और मुझे और शोभित को खुशी इस बात की कि अभी स्पेस हो जाएगा। हमने सारा सामान ऐसा सेट किया है कि शोभित का भी सीट और मेरा भी सीट फुल रिक्लाइन होगी। और दुख इस बात का है कि ध्रुव जा रहा है। सुन अभी भी कोशिश कर ले तू हमारे साथ, टोरंटो से हम तेरी फ्लाइट फ्री में करा देंगे। अभी लग लो ये तैयारी हो गया है, तो मैं बहुत स्पेस हो गया ना, लग रहा है ना, अभी मजे ही मजे करके जाएंगे। बाय ध्रुव, टेक केयर, गो सेफ। फ्लाइट वालों को तंग मत करना जा रहा। तो अभी बज रहे हैं 2:40, ऐसा डिसाइड किया है कि क्या हो जगह, पता नहीं, सस्का वुहान, सस्ता वुहान, सस्ता वुहान, सस्ता वुहान नहीं है, सस्का चौहान नहीं यार, सस्का चौहान जा रहे हैं हम लोग।
क्योंकि हम वहाँ पर 5 घंटे में पहुँच जाएंगे। भाई जगह का नाम कहाँ जा रहे हैं? सस्कचुआन, सस्कटून, सस्कचुआन, सस्कचुआन, ना कार्टून ना बाबून, सस्कटून, सस्कचुआन भी है। अरे भाई समझ गए ना, वहीं जा रहे 5 घंटा। मैंने सही बोला, तुम तो चौहान वाहन सरनेम पे आ गए यार। और दिखा रहा है 5:13 पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट 8 बजे। नॉट बैड, अगर थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले तो 8:30 वो टाइम हमको नींद भी आ जाएगी। अच्छा और वापस रूटीन में आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा शांति से सुनोगे, विंड ब्लास्ट इतना बुरा है कि फ्यूल इकोनॉमी फ्रॉम 9 or 8 km/L वो आ गई अभी 6 km/L, क्योंकि गाड़ी लिटरली स्ट्रगल कर रही जो हम लोग अपना बाइक से कर रहे थे। यही रूट था, एक रजाई वाला रूट भी था, वो लेते तो वहाँ पर भी बहुत बुरा वाला विंड ब्लास्ट मिलता। बट ठीक है, अभी बस वही रास्ता है जो सेम आपने देखा है। सेम रास्ता क्या दिखाओ, बाइक में बेटर दिखा सकते हैं, गाड़ी में ठीक से नहीं दिखा सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले मेरे मन में आया था ना मैं व्लॉग ना बनाऊंगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है गाड़ी में गाय गाय में रोड ट्रिप में व्लॉग बनाने का। मैं शारिश को बोला, शारिश बोलती नहीं ऐसा मत कर, फिर लोग ना देखो मैसेज करेंगे व्लॉग क्यों नहीं बना रहे। एंड अभी कैसे ना मैं और शोभित थे तो हम लोग की अपनी मस्ती चलेगी, वो घर जाने का एक्साइटमेंट तो मेरा, चलो मैं बना देता हूँ। बिकॉज कभी कभी क्या होता है जब मैं मुंबई जाके देखूंगा ना, मुझे लगा यार ये बना देना चाहिए था, गलती के नहीं बना के। और अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग को वो जो मैच है इंडिया पाकिस्तान का, अगर उसकी टिकट रहती ना हमारे पास तो हम लोग यहाँ से नॉन स्टॉप भगा के सीधा न्यूयॉर्क जाते। टिकट नहीं है यार, और अभी बहुत महंगी मिल रही है। नहीं मिली नहीं रही है, वो बॉक्स वॉक्स की मिल रही है। कोई मदद कर सकता है, कोई है उधर भाई जरा गरीब। मेरा तो बहुत मन था, पहले पता नहीं था कि अपन 9th को खत्म कर लेंगे ट्रिप, मेरे को लग रहा था कि अपन 11-15 को लौटेंगे। हाँ। इसलिए नहीं किया मैंने उसी टाइम पहले, मैं बहुत मन है यार। कोई अगर कर सकता है मदद तो भाई कर दो, हम फिर सीधा डायरेक्टली न्यूयॉर्क आएंगे, फिर टोरंटो नहीं, न्यूयॉर्क आके फिर टोरंटो मारेंगे। तो कोई है तो बोल दो, मेल एड्रेस है आपका, सब है, यू कैन गेट इन टच विद मी, टैग कर दो इंस्टाग्राम में, तुरंत रिप्लाई करूंगा मैं। मेरे को भी मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे अगर ये नहीं देखे तो। भाई चलो भाई, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस व्लॉग विद अस एज ऑलवेज। शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट। आई लव यू फ्रेंड्स, आरडी सभी को शुभकामनाएं, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। अभी एक बहुत ही खौफनाक प्लानिंग की है, वह अगले व्लॉग में देखना आप। वो हो पाता कि नहीं मुझे नहीं पता। कर लेंगे, कर लेंगे।